यार देख, उसने तेरी जिम्मेदारियां मानने के लिए फैसला किया है कि वो जॉब कंटिन्यू करेगी। तुझे उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। कैसे तुम अजीब दोस्त हो मेरे। मेरी सिचुएशन अंडरस्टैंड करने के बजाय तुम लोग मुझे इल्जाम दे रहे हो। यार मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है, और पहले तो मन्नत का कोई प्लान नहीं था शादी के बाद जॉब कंटिन्यू करने, अब क्यों? अम्मी इसकी हरगिज इजाजत नहीं देंगी। सारा मसला तो आंटी का है। फिर सदाबहार मसला है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा। ओके मैं तुम लोगों के ताने सुनने नहीं मदद मांगने के लिए आया, और अगर तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो तो प्लीज मन्नत को कन्विंस करो कि वो जॉब की जिद छोड़ दे, क्योंकि मुझे अपनी बीवी की फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, मॉरल और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। मर्द शादी के बाद कितना बदल जाता है ना। पहले तो इश्क में दुनिया बदलने के दावे करता है, और शादी के बाद बीवी से तवक्कु करता है कि वो चेंज हो जाए। यार मेरी अम्मी तो ऐसी नहीं है, उनकी तो ख्वाहिश है कि तुम शादी के बाद भी जॉब कंटिन्यू करो। क्यों? वो चाहती हैं कि शादी के बाद घर का खर्चा मैं चलाऊं, कमाना तुम्हारा काम है मेरा नहीं। तुम औरतें कमाल चीज हो यार, तुम लोगों को हर काम अपनी सास की जिद में आके करना। वो जॉब ना करने दे तो बुरी, और करने दे तो उससे ज्यादा बुरी। किसी हाल में खुश नहीं हूँ। अपनी मॉम से कह देना कि मैं शादी के बाद जॉब नहीं करूंगी। तो ना करो, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है।